जोरी विकास कुंडल जी ने और भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक बहुत बड़ा एक जनसंपर्क अभियान, एक पब्लिक दरबार यहां पोठा के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट रजौरी में लगाया, जिसमें लगभग 10-12 पंचायतों के 25 सरपंचीज और महिलाएं पुरुष आए। पिछले दिनों ढांगरी के अंदर जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद एक बड़ा अभियान रजौरी की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय सेना और हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लिया गया है। जगह जगह गांव गांव के अंदर जो थोड़े सेंसिटिव एरियाज हैं, यहां इस बात का डर रहता है कि कहीं आतंकी घटना होने की शक रहता है, उन सारे एरियाज में जनता अलर्ट रहे और जनता का मनोबल बना रहे। यहां के लोग बहुत बहादुर हैं, देशभक्त लोग हैं, लोगों ने जंगें लड़ी हैं, आतंकवाद के खिलाफ जंगें लड़ी हैं और लोगों का मनोबल बरकरार रहे, हाई स्पिरिट में लोग फिर काम करें और देश दुश्मन ताकतों की हर साजिश का डटकर मुकाबला करें, ऐसी रणनीति यहां के अंदर बनाई गई और लोगों के साथ संपर्क किया गया। मैं डीसी रजौरी और आर्मी के टॉप कमांडर्स, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत इस प्रकार का अभियान ढांगरी और उसके आसपास के तमाम गांवों के अंदर लिया है, ताकि लोगों का मनोबल बरकरार रहे और लोग दुश्मन की हर साजिश को मिलकर और डटकर उसका मुकाबला करें। जैसा आपको रैना साहब ने बताया, ये हमारा एक पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम है जिसमें हम लोगों से मिल रहे हैं, जहां लोगों की लंबी समय में शिफ्ट हुआ है वहां पे जाके हम उनके साथ बात कर रहे हैं, कोई भी इनके इश्यूज है रिजॉल्व कर रहे हैं। अगर किसी के मन में कोई भी तरह का सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न है तो हम आर्मी के ऑफिसर्स को लेके आए हैं और पुलिस के भी ऑफिसर्स को लेकर आए।